एवरीवन, और आज हम इस एपिसोड में आपको ये बताने वाले हैं कि अगर आप गूगल क्लासरूम मेंटर होना चाहते हैं लेकिन आप डेस्कटॉप या जो है लैपटॉप यूज़र हैं, तो फिर आप कैसे जो है वो अपने लॉगिन पासवर्ड और आईडी पासवर्ड को इस्तेमाल करेंगे और कैसे उसको यूज़ करेंगे, राइट? कैसे आप क्लासरूम तक पहुंच सकते हैं? तो सिंपल इज दिस कि आपने यहाँ पर अपने सर्च बार के अंदर यहाँ पर आपने लिखना है gmail.com, राइट? और इसको लिखने के बाद आपने एंटर का बटन प्रेस कर देना है, और जैसे ही आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे ये गूगल क्रोम आपको जो है वो जीमेल पे ले जाएगा, राइट? तो अब ये पेज जो है खुल चुका है, और इसमें यहाँ पर वो आपसे पूछेगा कि यहाँ पर आपने अपना ईमेल आईडी डालना है। तो जो ईमेल आईडी आपको स्कूल की तरफ से मिली है, फॉर एग्जाम्पल अबीहा, मैं यहाँ पर डालती हूँ .fort2826@nasraschool.edu.tk, और उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दबाना है, और जैसे ही आप नेक्स्ट का बटन दबाएंगे ये आपसे पासवर्ड पूछेगा। और अब आप यहाँ से वो आपसे पूछ रहा है कि आपने एंटर योर पासवर्ड, तो जो पासवर्ड आपको स्कूल से मिला है वो आप पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे हम पासवर्ड टाइप कर दें, जनाब ये मैंने यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर दिया। और जैसे ही आप पासवर्ड टाइप करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ था स्टे साइंड इन, इसको आप लगा दीजिए चेक, और यहाँ पर आप साइन इन का बटन दबा दीजिए। स्टे साइन इन पे चेक लगाने से ये होगा कि आपको बार बार जो है अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना नहीं पड़ेगा। आप जैसे ही जीमेल को क्लिक करेंगे वैसे ही आपका अकाउंट जो है वो खुल जाएगा। अच्छा, ये आपसे एक स्क्रिप्ट मांग रहा है, इसको आप लिख दीजिए यहाँ पर ASTRUSLA। यूजुअली ये वेरिफिकेशन के लिए होता है, तो दोबारा से हम इसको साइन इन कर देते हैं। वो कह रहा है कि अपना पासवर्ड डाल दीजिए दोबारा से, 1 2 3। और जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे अकाउंट जो है वो लॉगिन हो चुका है अबीहा का। और इट्स वेरी इजी, जब आप लॉगिन कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर अबीहा का एक कैपिटल लेटर नज़र आ रहा है गूगल अकाउंट का, और यहाँ पर जो है वो नासरा स्कूल का लोगो नज़र आ रहा है, और साथ ही बराबर में ये आपको डॉट 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 नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ये जो डॉट डॉट डॉट, जैसे ही आप इस पर अपना कर्सर लेके जाते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आता है गूगल ऐप्स। तो जैसे ही आप गूगल ऐप्स पे क्लिक करते हैं तो ये आपको सारे गूगल के जितने भी ऐप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो दिखाने लगता है, और उसी में ही आपको गूगल क्लासरूम नज़र आता है। तो आपने सिंपली क्या करना है, गूगल क्लासरूम पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप गूगल क्लासरूम पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि एक और विंडो खुल जाएगी। जनाब ये देखिए, ये एक और विंडो खुल चुकी है, और इस पे लिखा हुआ आ रहा है कंटिन्यू विद अबीहा। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो ये जो है आपको अबीहा के क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में ले जाएगा। जनाब और हम अब ये अबीहा के गूगल क्लासरूम में आ गए, और यहाँ पर आपको कैसे पता चल रहा है कि ये अबीहा का गूगल क्लासरूम है? यहाँ पर ये गूगल क्लासरूम लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये ए, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसके ऊपर कर्सर लेके गई तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है अबीहा, राइट? तो ये इससे मुझे पता चल रहा है कि ये अबीहा का क्लासरूम है। अब मुझे क्लासरूम को ज्वाइन करना है, तो इट इज़ वेरी सिंपल कि आपने क्या करना है। ये देखिए, ये खुद भी बता रहा है कि ज्वाइन योर फर्स्ट क्लास फ्रॉम हियर। तो जैसे ही आप ऐड के बटन को क्लिक करेंगे तो ये आपसे यहाँ पर क्लास कोड मांगेगा, राइट? तो आपने जो है, जो टीचर ने आपको क्लास कोड दिया है वो यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे, और ये जैसे ही आप गूगल क्लासरूम का कोड यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये ज्वाइन का बटन, अभी जो डिसेबल हुआ हुआ है, ये इनेबल हो जाएगा, और आप उस पर क्लिक कर देंगे और सिंपली आपका गूगल क्लासरूम जो है वो लॉग इन हो जाएगा, राइट? तो अब अगर आपके एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो फिर आप क्या करें? उसके लिए भी बहुत आसान सा तरीका है कि आप
ने जैसे ही जैसे इसको लॉग इन किया है, आपने क्या करना है, यहाँ अबीहा के पास दोबारा से जाना है, यहाँ जहाँ लिखा हुआ है अबीहा का नाम, ए कैपिटल लेटर और नासर स्कूल का जो मोनोग्राम आ रहा है इसके ऊपर आप जाएंगे, यहाँ ए पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप ए पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है एड एनदर अकाउंट, राइट। आपने उसको साइन आउट नहीं करना है अबीहा वाले अकाउंट को, ठीक है, आपने क्या करना है एड एनदर अकाउंट। जैसे ही आप एड एनदर अकाउंट करते हैं तो ये वापस आपको उसी फर्स्ट विंडो पर लेके चला जाएगा जहाँ पे आपने ईमेल आईडी डालना है और पासवर्ड डालना है, और आपने पूरा प्रोसेस उसी तरह से रिपीट करना है जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया, और आपने फिर उसी तरह से ही उस दूसरे बच्चे के क्लासरूम को ज्वाइन करना है। आप हमेशा ये बात याद रखिएगा कि आपने कभी भी दोनों ईमेल आईडीज को लॉग आउट नहीं करना है, राइट। उसको साइन इन रहने देना और स्टे साइन इन के ऊपर चेक लगाना ना भूलिएगा। तो ये तो था हमारा यहाँ तक का ट्यूटोरियल, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।